नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपी तड़का में। इस वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जिसकी मान्यता द्वापर युग से प्रख्यात है, जहां आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर प्रदेश का यह भव्य एवं विशालकाय मंदिर, जिसकी मान्यता सदियों से भक्तों के बीच में चली आ रही है, इस पौराणिक शिव मंदिर को आज के समय में भवरेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर मंदिर ऐतिहासिक है तो इसका इतिहास तो जानना चाहिए, और अगर इतिहास के कुछ पन्नों को पलटा जाए तो ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडव अपनी मां कुंती के साथ वनवास गए थे, तब भीम ने इस मंदिर की शिवलिंग की स्थापना की थी। तब इस मंदिर का नाम भीमाशंकर था, लेकिन ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण मंदिर को भवरेश्वर नाम मिला और मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग को चमत्कारी शिवलिंग माना जाने लगा। इस मंदिर का नाम भवरेश्वर पड़ने के पीछे ऐसा माना जाता है कि मुगल शासन काल में जब हिंदुस्तान के सभी मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, तभी मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ की शिवलिंग को खुदवाने का आदेश दिया, परंतु कई बार प्रयास करने पर भी उन्हें सफलता न मिली। फिर भी वे जब नहीं रुके तो खुदाई के दौरान भारी संख्या में भवरे प्रकट हुए और खुदाई करने वालों पर हमला कर दिया गया, जिससे डरकर वे भाग निकले। इस चमत्कार के बाद गांव वालों ने शिवलिंग के ऊपर मठ बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। इस तरह महादेव के इस मंदिर का नाम भवरेश्वर पड़ा। इस घटना के बाद से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया और आगे चलकर सुदौली के राजा रामपाल की पत्नी ने इस मंदिर का भव्य और खूबसूरत निर्माण करवाया, जिसमें शिव मंदिर के साथ साथ कई अन्य देवी देवताओं की स्थापना हुई। फिर लोगों के बीच में इस मंदिर को लेकर मान्यता बढ़ती गई और दूर दूर से भक्तगण यहाँ दर्शन करने आने लगे। आज भी मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था का सिलसिला यूं ही चला आ रहा है। भगवान शंकर का यह भव्य मंदिर भवरेश्वर धाम कुर्री सुदौली निगोहा लखनऊ में सई नदी के तट पर स्थित है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में हजारों की संख्या में श्रद्धालु साई नदी में स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अरदास करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी होता है।